मसूरी में देर शाम को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मसूरी लाइब्रेरी बस स्टैंड पर एक हरिद्वार से आ रही बस अनियंत्रित होकर पहाड़ से टकरा गई, जिसकी चपेट में एक स्कूटी और स्कूल वैन को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी और स्कूल वैन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। गनीमत रही कि स्कूटी और स्कूल वैन में कोई भी मौजूद नहीं था। अगर कोई मौजूद होता तो यहाँ एक बड़ा हादसा हो सकता था। बस की टक्कर से एकाएक बस स्टैंड पर हड़कंप मच गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई, जिससे यातायात बाधित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त स्कूटी और स्कूल वैन सड़क से किनारे कर यातायात को सुचारू किया। वहीं इस हादसे के बाद में प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कुछ कहना है सुनिए। ये पहले ऊपर से गाड़ियों को मारते हुए बस पे लोगों ने हाथ मारे, इन्होंने बस नहीं रोकी, ठीक है ना। और 5 सेकंड पहले मैंने स्कूटी खड़ी, अगर मैं भी नहीं खड़ा हुआ होता तो शायद मैं भी स्कूटी के साथ उड़ जाता। और बोल रहे ब्रेक फेल हो गए, एक इको गाड़ी खड़ी हुई थी वो भी 5 सेकंड पहले भाई मेरे लगा के गया। कॉर्नर साइड पे थी बिल्कुल, मतलब रोड साइड से आउटसाइड थी, सीधा आगे ओवर स्पीड थी। ओवर स्पीड की वजह से गाड़ी का जो है डिसबैलेंस हो गया, इनसे जो है समझ नहीं गया। स्कूटी और गाड़ी में, स्कूटी का तो पूरी डैमेज है और गाड़ी भी पूरी डेड है। ड्रिंक तो नहीं करी थी, कुछ और ही लग रहा था कि जैसे भांग वगैरह ये ऐसा कुछ कर रखा है उन्होंने, क्योंकि बिल्कुल सुन सा है वो, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे तो जवाब नहीं दिया जा रहा। बस में सवारी थी लेना, ये मोड़ पे से शायद तो इन्होंने बस वालों ने एक किसी की गाड़ी मारी और वहाँ से तेजी में लेके आए एकदम गाड़ी ना, और यहाँ पे आके साइड में स्कूटी खड़ी हुई थी और उसके पीछे गाड़ी थी, तो इन्होंने गाड़ी पे मारी और गाड़ी कम से कम इतनी ऊंची ऊपर उछली और तब स्कूटी भी गई और गाड़ी भी गई। वो तो ये लगा लो जो स्कूटी पे बंदा बैठा हुआ था वो 5 या 6 सेकंड पहले ही ऊपर गया है, अगर वो ऊपर नहीं गया हुआ था तो वो भी गया था इन बस वालों के चक्कर में। बस वालों का तो मतलब हमारी सरकार को बस वालों का देखना चाहिए कि ये सही से चले, क्योंकि इनका हाल ऐसा हो रखा है रोड पे आगे पीछे देखते ही नहीं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। मेरे हिसाब से तो तेजी में ही था, क्योंकि वो वहाँ से ही तेजी में लेके आया और फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि बस के ब्रेक नहीं लगे। स्कूटी और गाड़ी में लगभग कितना नुकसान हो गया होगा? स्कूटी तो सर स्कूटी पीछे ही खड़ी हुई है, आपके कुछ बचा ही नहीं है स्कूटी में, और गाड़ी भी पूरी, गाड़ी भी पूरी खत्म है, गाड़ी भी आपके पीछे, ये देख लो। बस में सवारियाँ थी? बस में सवारियाँ थी, मतलब ये है कि आप ये लगा लो कि बस किसी की जान जाते जाते बची है।